जी हाँ दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, यहाँ हम आए हुए हैं। ये है अहमदाबाद में असलाली एरिया, वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर करके जगह है। वहाँ एक संत जैसे आदमी जिनका नाम है, बहुत ही बेहतरीन इंसान, श्री विक्रम भाई चौधरी, जिन्होंने पिछले कई सालों से अपना जीवन इन पशु पंछियों के लिए उनकी सेवा में दे दिया है, अर्पण किया है। और ये जगह पर रात को 8 से 12 बजे के बीच में करीबन 30 से 40 गाय आती है। यहाँ आप देख रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं रखी है। यहाँ अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत सारे बंदर यहाँ रहते हैं और कुत्तों के लिए भी इन्होंने बढ़िया सा वो जगह रखा है। जैसे अभी लोग इनको खिला रहे हैं, आशीष बेशा जीव्या परिवार सबको मिलेगा एक एक करके। आप भी लो सबको मिलेगा खाना, सबको मिलेगा, आप भी लीजिए। हाँ, आज हम आप सबको खाना खिलाने आए हैं, लीजिए, शांति से खाइए। ये अभी बिस्किट हम दे रहे हैं इनको। और बहुत सारे यहाँ बगुले भी हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। सब शांति से खाओ, सबको मिलेगा। तो बहुत सारे यहाँ कपिराज है और दूसरा भी आपके लिए लाए हैं खाना। सब एक एक करके शांति से बिस्किट खाइए। हाँ जी, आ जाओ। ये लो, तुम भी लो, सब खाए इकट्ठे होके मिलजुल के। अरे, देखो कितने सारे एक के साथ एक, चार चार पांच पांच बिस्किट ले जा रहे हैं। और अभी हम और दिखाएंगे आपको, आइए और देखते हैं यहाँ। और जैसे यहाँ बहुत सारे अलग अलग पानी का भी व्यवस्था रखा है यहाँ पर, आप देख रहे कितने सारे खा रहे हैं स्क्रीन पर दर्शक मित्र, कितने सारे बंदर हैं। यहाँ पेड़ पे बहुत सारे बगुले भी हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए ये साइड में हम देखेंगे। देखो यहाँ बैठ के भी खा रहे हैं, स्वान भी यहाँ रहते हैं। अरे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अभी हमारे ये विक्रम भाई के रिश्तेदार है, उनके लिए पानी लेके आए हैं। तो सबसे खुश होकर देखिए, ये चला गया सीधा और बैठ जाइए। ये पूरा प्रीमाइसिस विक्रम भाई का है। यहाँ देखिए पेड़ पे आप दिख रहे हैं बगुले हैं जो बाहर से आए हुए हैं, करीबन 30 से 40 बगुले हैं यहाँ पर। और एक टेबल है, वहाँ सब बैठते हैं, सोते भी हैं। और पीछे जो पेड़ पे अभी बगुले थे वहाँ पर करीबन 20 से 30 बंदर वहाँ हमेशा के लिए परमानेंट वहाँ रहते हैं ऊपर। देखो छोटा पपी भी है, स्वान भी है, सब इकट्ठे होके बैठ के साथ में खाना खाते हैं। और यहाँ आके एक जैसी छोटी सी झोपड़ी जैसे आप दिख रहे स्क्रीन पे, यहाँ देख रहे पंखा चल रहा है। वो पंखा इन्होंने सुनकर मैंने, यहाँ जो खटिया दिख रही है वहाँ ऊपर वो सोते, नीचे स्वान सोते, दिन भर पूरा पंखे की हवा ये स्वान को मिल रही है। सभी करीबन 10 से 15 स्वान है। और शाम को आरती के समय जब वो घंटी बजाते हैं तो सब कुत्ते को किसी ने सिखाने लिए एक साथ सब बोलने लगते हैं, जैसे मानो कि आरती गा रहे हैं माता जी की। ये देखो पंखा है और यहाँ तोता बैठा है, बहुत सारे कुत्ते यहाँ हैं।
गाय है, बंदर है, बकुले, सब एक साथ प्यार से रहते मिलजुल के। तो यही इनकी कहानी है, उनको बहुत आनंद आता है, श्रीकृष्ण भाई को। हमने उनका भी एक वीडियो शूट किया था, वो आप सब ने देखा ही होगा। और मैं, मेरी ये आप सबसे विनती है कि आप मेरी चैनल जिसका नाम है ASH2871 उसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट एंड कमेंट, लाइक एंड शेयर ASH2871 चैनल। थैंक यू वेरी मच।